ये फ़ोन तो गाइस आपको याद होगा ना, क्यूट नोकिया 3220। यहाँ पे भी ऐसा फीचर था कि इसमें जो लाइट्स हैं वो रिंगटोन के अकॉर्डिंग यू नो लाइट होती थी या ब्लिंक करती थी। तो समवेयर कंपनी कुछ इनोवेट नहीं करती हैं, कॉपी पेस्ट ही करती हैं। फिलहाल ये रहा नथिंग। एंड एज यू गाइस नो कि हम ऑलवेज टेस्ट स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट, लेट्स सी कि ये नथिंग फ़ोन कितना सॉलिड है। जैसे मैंने सुना है वाओ काफ़ी स्लिम है। ये रेड वाला स्टिकर ऐसे किए पूरा अच्छा, जैसे नथिंग के उसमें था ना ईयरफोन्स में, वैसे ये भी खुल रहा है। वाओ साउंड्स गुड। यहाँ पे ऑफ कोर्स आपको एक फ़ोन मिल रहा है, ब्लैक कलर का है। एंड यहाँ पे कुछ आई डोंट नो पेपर शेपर कुछ होगा, वी डोंट केयर। iPhone 12 वाली फीलिंग है, iPhone 13 वाली फीलिंग है, कोई भी iPhone आप ले लेंगे। और इवन अगर आप लेटेस्ट Oppo Reno 8 Pro रख लेंगे तो सब में सेम फीलिंग है। हम सारे टेस्ट सेम तरीके से परफॉर्म करते हैं। जितने भी फ़ोन आप देख रहे हैं ना, जो डेड पार्शली डेड या वर्किंग कंडीशन में, इन सब में हमने सेम टेस्ट परफॉर्म किया है। अराउंड 40-50 लीटर्स ऑफ वाटर से हम स्टार्ट करते हैं, तो यहाँ पर भी हम सेम तरह का काम करेंगे। अंडर वाटर अनबॉक्सिंग करते हैं। फ़ोन को मैं यहीं पे ऑन कर दे रहा हूँ अंदर, लेट्स सी कि ऑन होता है कि नहीं होता है। वैसे काफ़ी गर्म पानी है, होपफुली ऑन हो जाना चाहिए। यप नथिंग लिख के तो आ रहा है, लेट्स सी ये फ़ोन कितना स्प्लैश प्रूफ है। लेकिन जहाँ तक मैंने इंटरनेट पर देखा है ना, इस फ़ोन के साथ कुछ अच्छी घटनाएं नहीं घट रही हैं, ये इजीली ख़राब होता जा रहा है लिक्विड के कॉन्टैक्ट में आने से। तो हम 5 मिनट्स का वेट करेंगे, काउंटर चल रहा है, अराउंड 32 सेकेंड हो गया है। क्लियरली यहाँ पे लिक्विड तो अंदर जाते हुए दिख रहा है, क्योंकि कैमरे लेंस के अराउंड अगर बबल है ना तो ऑफ कोर्स वहाँ से लिक्विड आपको जाता हुआ नज़र आएगा। देख सकते हैं कैमरे लेंस के अराउंड कुछ लिक्विड है, USB-C के अराउंड भी, स्पेशली कैमरे लेंस के अराउंड है। 5 मिनट भी हो गए गाइज, चलिए फ़ोन को बाहर निकालते हैं। लेट्स सी कि बेचारा नथिंग किस हाल में है। आपकी दूसरी घड़ी को मैं निकालता हूँ, लिक्विड टेस्ट कर लेता हूँ। एक्चुअली ये घड़ी ना मैं टेस्ट कर रहा हूँ, तो नथिंग पे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ छोटा सा बबल था। लेट्स सी गाइस क्या फ़ोन के अंदर लिक्विड गया है कि नहीं गया है। थोड़ा सा फ़ोन क्लीन विन कर लेते हैं, सिम ट्रे चेक करते हैं। अगर इनके सिम ट्रे में ज़रा सा भी लिक्विड है ना, देन ऑफ कोर्स आपके फ़ोन के अंदर भी लिक्विड होना चाहिए। ये गया सिम ट्रे आउट, सिम ट्रे तो ड्राई है। तो मैं फ़ोन को ऑन करता हूँ, सेट करता हूँ, लेट्स सी क्या होता है यहाँ पे। अभी फ़ोन में एक अपडेट आया था, आपने देखा था, मैंने उसको स्टॉल किया। अभी लगता है कहीं ये फेल हो गया, नो कमांड। ऐसे ही मैं अपने फ्रेश फ़ोन खरीदा और अपडेट इंस्टॉल कर रहे थे तो ये बीच में ही मर गया। मैं दोबारा इसको रिबूट करने की कोशिश करता हूँ। वाइप फैक्ट्री डेटा रीसेट, फैक्ट्री डेटा रीसेट, रिबूट सिस्टम नाउ। लगता है अब बूट हो रहा है। तो ये कांड अगर आपको आता होगा तो शायद आप ये चीज़ कर सकते होंगे, अरे ये क्या हो रहा है, डिस्प्ले की लाइट जा रही लगता है, कुछ ऐसे जल बुझ रही थी। ये एनिमेशन है यहाँ पे कि डिस्प्ले में कुछ हो रहा है। तो यहाँ पे कुछ इश्यूज आपको दिख रही होगी, लाइक डिस्प्ले इसका जल बुझ रहा है, तो शायद लिक्विड अंदर चला गया है और हो सकता है कि फ़ोन अपने आप डेड हो जाए। फाइनली फ़ोन डेड हो चुका है, ऑलमोस्ट 1 आवर हो चुके हैं हमें लिक्विड टेस्ट परफॉर्म किए हुए। और फॉर योर रेफरेंस ये सभी कुछ फ़ोन हैं जो आपको नियरली सेम प्राइस में मिल सकते हैं, जिनमें हमने सेम तरह का टेस्ट परफॉर्म किया है। और ये सारे के सारे फ़ोन प्रॉपर्टी वर्किंग है, मैं आपको सारे फ़ोन ऑन करके दिखा सकता हूँ। इवेंचुअली इस फ़ोन में क्या हुआ कि अब यहाँ पे लिक्विड तो आप क्लियरली देख सकते हैं, अगर आप कहीं से भी देखेंगे आपको ईजिली यहाँ पे लिक्विड नज़र आ रहा होगा, मॉइस्चर। एट द लास्ट हमें ये तो बेनिफिट नज़र आ गया, फ़ोन ट्रांसपेरेंट है तो अगर उसके अंदर डस्ट जाती है, लिक्विड जाती है, तो वो आप क्लियरली देख सकते हैं, आपको पैनल ओपन करने की ज़रूरत नहीं है। स्क्रीन में वेयर इश्यूज आपने देखी। अब क्या है कि देखिए फ़ोन जैसे ऑन हो रहा ना, ये बूट में चला जा रहा है, लाइक देख सकते हैं ये क्लियरली बूट कर रहा है, नथिंग का लोगो आता है और फिर उसके बाद गायब हो जाता है। वाइब्रेशन 2-3 बार फील होता है और उसके बाद कम्प्लीटली गॉन। यप इससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा, बट ऐसे ही हो रहा है तब से, नथिंग नथिंग नथिंग।
वाई नॉट फर्स्ट हम सिंक प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। एक्सपेक्टेड कंस्ट्रक्शन यहाँ पे मेटल है, मेटल का बना हुआ। अगर आप वाइट कलर में जाएंगे तो हुफ यहाँ पे विदाउट पेंट जॉब मिलेगा। ब्लैक में मेरे को कुछ ऐसा मिला है। ओके, अगर आपका सिम ट्रे एक्सीडेंटली बैंड हो जाता है, यहाँ तो क्वालिटी ठीक ठाक लग रही है, प्लास्टिक डैमेज नहीं हो रही है, हल्का सा ये डिफॉर्म हो गया, बट वो आप इजली फिक्स कर लेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द फ्रेम। होपफुली एल्युमिनियम 7000 विथ पेंट जॉब। बटन भी कंप्लीटली मेटल के बने, क्या ये बाहर आएंगे? नोप, सीम्स वेरी टाइट। एंड अबाउट द पावर बटन, ये भी मेटल का है, जस्ट लाइक द वॉल्यूम बटन्स। अराउंड द कैमरा फ्रेम, ये भी मेटल का होना चाहिए। यस, अबाउट द ग्लास क्वालिटी, ऑन द डिस्प्ले साइड यहाँ पे कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास यूज़ किया गया है। दैट मीन्स इन टर्म्स ऑफ द स्क्रैच, यहाँ पे रिजल्ट हमें एक्सपेक्टेड मिलना चाहिए। टिल द लेवल 5 कोई भी स्क्रैचेस नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे डीपर स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। दैट मीन्स मोस्ट ऑफ द कॉमन मेटल ऑब्जेक्ट जैसे कॉन्टैक्ट में डिस्प्ले आएगा, लाइक स्टिंग स्टील, कॉपर, सिल्वर, जिंक, निकल, ऑल दी सॉफ्टवेयर मेटल्स, उससे इस डिस्प्ले पे स्क्रैच नहीं पड़ेगा। बट यस, ग्लास पार्टिकल एंड डस्ट एंड सैंड से स्क्रैचेस पड़ सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे बैक पैनल पे भी ग्लास है, यहाँ पे भी स्क्रैच रेजिस्टेंस एक्जैक्टली सिमिलर है जैसा कि डिस्प्ले है। लेवल 5 तक यहाँ पे कोई भी स्क्रैच नहीं है, लेवल 6 पे स्क्रैचेस माइनर हैं एंड 7 पे स्क्रैचेस डीपर होते चले जा रहे हैं। बट द बिग पार्ट इज फोन के बॉक्स में कोई भी केस नहीं है। ईयरपीस रिल की ओपनिंग काफ़ी स्लिम है एंड टाइनी भी है, सो मोस्ट लाइक कीज एंड कॉइंस यहाँ पे नहीं जा पाएंगे और ये पार्ट आपका ऑलवेज सेफ रहेगा। बट हु नोस, लिक्विड यहाँ से भी अंदर जा सकता है। टाइम फॉर दी बैंड टेस्ट, उससे पहले आपको एक अपडेट दे दूँ कि इस फ़ोन के साथ क्या हुआ आफ्टर द लिक्विड टेस्ट। तो आप देख सकते हैं डिस्प्ले यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन टाइप का हो रहा है। सर्टेनली यहाँ पे जो लिक्विड जो डिस्प्ले के रिबन केबल है वहाँ पे लिक्विड जा चुका है और स्लोली स्लोली जो डिस्प्ले है वो जो लिक्विड है ना वो इन डिस्प्ले के लेयर्स के बीच में जा रहा है, तभी ऐसा होता है। मॉइस्चर्स प्रॉपरली है जहाँ जो डिस्प्ले पे थी, जैसे आप कैमरा यूज़ करेंगे तो कैमरे पे मॉइस्चर आ जाएगी और कुछ इस तरीके का इसका डिस्प्ले हो चुका है। सो लेट्स डू द बेंड टेस्ट, देखते हैं क्या होता है इस फोन के साथ में। फर्स्ट हम डिस्प्ले साइड से बेंड करते हैं इन 3, 2, 1। सो फॉर फोन तो वर्किंग है, बट आपने यहाँ पे अगर नोटिस किया हो जहाँ से ये जो नेटवर्क के लिए कनेक्शन किया गया ना, तो अगर हम यहाँ पे बैंड करते हैं ना तो क्लियरली इस पार्ट से यहाँ पे देखेंगे फ़ोन हल्का सा ओपन हो जा रहा है। आई थिंक अगर मैं थोड़ा ज़्यादा और प्रेशर लगा दूँगा तो सर्टेनली ये फ़ोन बैंड होके हाफ हो जाएगा। तो इसका फिक्स ये हो सकता है कि ये जो एंटीना लाइन यहाँ पे है उसको प्रॉबली शायद इस थोड़े से इस पोजीशन पे देना चाहिए, बिकॉज ये एरिया इस बटन के पास में है, तो यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है। नेवर माइंड, चलिए हम बैक साइड से बंद करने की कोशिश करते हैं एंड इन 3, 2, 1। साउंड सॉलिड, एक छोटी सी प्रॉब्लम जो बैंड में नज़र आ रही है बस वो यही है। एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द मेगा ड्रॉप टेस्ट टुमारो, कल हम बिगेस्ट एवर मेगा ड्रॉप टेस्ट भी करने वाले हैं। कल आपको पता चलेगा कौन कौन से फोन सबसे ज़्यादा सॉलिड निकल सकते हैं व्हेन इट कम्स टू द ड्रॉप टेस्ट। थैंक यू सो मच गाइस, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ एंड हैव अ ग्रेट डे।